नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के बारे में। जी हाँ, कुवैत के बारे में बात करेंगे, फ्लाइटों के बारे में, फ्लाइट की रेट के बारे में। फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं, आप किस तरह से जा सकते हो आप सबको पता ही होगा। 60 साल के वीज़ा वाले के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी सारे बन चुके हैं आप सबको पता होगा, उसमें भी कुछ करेक्शन हुआ है। 48 देशों ने लोगों को छूट दिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पूरा डिटेल से जानिए, 2-4-5 मिनट का वीडियो हो सकता है, पूरी डिटेल से जानोगे तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी ये जानकारी। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको कुवैत से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई फ्लाइटों के बारे में। आपको पता होगा 1 अगस्त से कुवैत ने फ्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं बेशर्तें एशियन कंट्रीज को छोड़ के, जिसमें इंडिया का नंबर आता है। दूसरे देशों की बात छोड़ दीजिए, हम इंडिया की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन ये दे दिया कि भाई ये तो नहीं बोला कि आ ही नहीं सकते, आ सकते हो किसी दूसरे देश में 12-13-14 दिन आप क्वारंटाइन करके आ सकते हो। जी हाँ, वो एक अलग तरीका है। अभी हम बात करते हैं कि भाई टिकट के बारे में, टिकटों के बारे में। अगर मान लीजिए कि ट्रांजिट तरीके से भी आप जा रहे हैं किसी थर्ड कंट्री के द्वारा कोई जा रहे हैं, लाखों रुपए की आप टिकट बुक कर लेते हैं, सब कुछ तामझाम तैयारी कर ली, वो शादी वाली बात है, शादी एकदम तैयारी कर ली, लास्ट एन वक्त पे अब तैयारी पे दूल्हा नहीं पहुंचा। जी वो स्थिति यहाँ पे हो रही है, शादी में दूल्हा नहीं पहुंचेगा तो शादी नहीं होगी ना, वो तो मैट्रिक ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ आपने तैयारी कर ली, आपने कोरोना टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, आपने थर्ड कंट्री की टिकट बुक कर ली, थर्ड कंट्री का वीज़ा भी ले लिया, आपने होटल क्वारंटाइन, होटल बुकिंग वगैरह सब कुछ आपने, आपके पास पैसा भी है, आपके पास टिकट भी है, आपके पास वीज़ा भी है, सब कुछ है। जी हाँ, और आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, दूल्हे वाली बात यहाँ सेट होती है, आप सेट करने की कोशिश करना। आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, समझ रहे हो बात को, एयरपोर्ट पे आपको ये बोला जाता है कि भाई हमारी फ़्लाइटें फुल हैं, हमारे पास सीट नहीं है। बसों में देखा होगा ना, लोग ज़बरदस्ती घुस जाते हैं बसों में तो खड़े हो जाते हैं, फ्लाइट में खड़े नहीं हो सकते, तो उनको वापस निकाल दिया। जी हाँ, ये स्थिति हुई है इंडियन लोगों के साथ में और मिस्र के लोगों के साथ में। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि टिकटों की इतनी मारामारी हुई, इतनी ज़बरदस्त तरीके से भीड़ हुई, टिकटें सबको दे दी, टिकटें सबकी बुक कर ली, मोटे मोटे पैसे ले लिए, लाख लाख रुपए की टिकटें आई, वो पैसे ले लिए, टिकटें पकड़ा दी, एयरपोर्ट पे गए, जी टिकटें फुल हो गई, फ्लाइटें नहीं है हमारे पास, सीटें नहीं है, टिकटें फुल हैं। अब बताओ ये स्थिति हुई है, अगर सोचने की बात है क्यों हुई है जी। एक फ्लाइट में मान लीजिए 150 लोगों की कैपेसिटी है तो 150 टिकटें बुक होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को, वहाँ पे पता नहीं कितनी कितनी लोगों की टिकटें बुक कर ली, उनको वापस भेज दिया, पैसे रिफंड का कोई चक्कर नहीं है जी, टिकटें फिर आप दोबारा से आ जाओ। आप समझ सकते हैं एक आदमी थर्ड कंट्री के द्वारा जाता है उसका किस तरह से प्लानिंग होती है, कितना उसका नुकसान होता है, पूरा उसकी तो मतलब उसकी तो बैंड बच गई ना। तो कहने का मतलब है हज़ारों टिकटें कैंसिल हुई हैं अभी 1 अगस्त के बाद में, 2-3 दिन के अंदर की मैं बात करूं तो। आप लोगों को ध्यान रखने की बातें हैं कि आप अगर कुवैत जा रहे हैं, टिकटें बुक करवा रहे हैं या फिर कैसे भी, ट्रांजिट डायरेक्ट तो आप नहीं जा सकते, ट्रांजिट थर्ड कंट्री के द्वारा कुवैत जाने की सोच रहे हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। लोग 350 दराम KD से लेके 600 KD यानी 60-70 हज़ार रुपये से लेके 1,20,000 रुपये तक की टिकट पे कर रहे हैं कुवैत जाने के लिए, और फिर उनके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उनका नंबर नहीं आ पा रहा है, लोगों को वापस भेज दिया गया है, लोग नारेबाजी करते हैं, आवेश क्रॉस करते हैं, ट्वीट करते हैं जिन जिन फ्लाइटों की टिकट ली है, वो सॉरी जी गलती हो गई जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, वो ऐसा बोल देते हैं। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, नुकसान तो हो गया ना। बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से टिकटें महंगी हो गई। अरे भाई, भीड़ ज़्यादा होती है तो टिकट सस्ती होनी चाहिए या महंगी होनी चाहिए भाई? ब्लैक में कोई चीज़, लेकिन वही बात है ब्लैक वाली, जब पता लग गया ना कि 100 लोग जाने वाले हैं जी और फ्लाइटें हैं मात्र 50 लोगों की टिकटें मिलेंगी, तो 50 एक्स्ट्रा हो गए ना, तो ऑटोमेटिक वो भाव बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको पता है 100 में से 50 आराम से मिल जाएंगे डबल रेट में देके जाने वाले। यही स्थिति हो गई, डबल देने के बावजूद भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, आप थर्ड कंट्री के द्वारा कुवैत जा रहे हैं चाहे आप किसी भी देश में रहते होंगे, टिकट बुक करवाने से पहले 100 बार सोचें कि कहीं आपको एयरपोर्ट से वापस नहीं आना पड़े। हालांकि 1 अगस्त को बता दूँ, लगभग 5,000 के करीब कुवैत से बाहर लोग निकले थे, 4,000 के करीब कुवैत अंदर लोग पहुंचे थे एक दिन में।
तो 4-5 हज़ार के करीब लोग एक दिन में कुवैत पहुंचते रहेंगे। हालांकि 10 हज़ार का टारगेट आपको पता है, पर डे कुवैती एयरपोर्ट पे 10 हज़ार लोग आ जा सकेंगे, आपको सबको पता है, इससे ज़्यादा तो वो लेंगे नहीं, तो वो एक लिमिट है। तो टिकट आराम से सोच के समझ के बुक करवाएं ताकि आपको ये नुकसान नहीं उठाना पड़े। जी हाँ, सेकेंड बात हम कर लेते हैं भाई, 60 साल के बाद में जो लोग जिनकी हो चुकी है उम्र, वीज़ा रिन्यू करवाना चाहते हैं लेकिन उनका वीज़ा रिन्यू नहीं किया जाएगा। रीज़न, वो स्नातक या कॉलेज की डिग्री उनके पास नहीं है। ये वीडियो मैंने बनाया था 1 साल पहले भी, 6 महीने बाद, अभी 10-15 दिन बाद फिर बनाया। एक क्योंकि कुवैत सरकार ने एक नियम लागू किया था कि भाई 60 साल के ऊपर जो लोग हो चुके हैं उनका वीज़ा रिन्यू नहीं किया जाएगा। किनका? जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है उनको हम घर भेजेंगे, ये एक प्रोसेस था। उसके बाद में उन लोगों का वीज़ा रिन्यू किया जाएगा जिनकी 2000 कुवैती दिनार लगेगी 60 साल के बाद में वीज़ा रिन्यू लेने करने के लिए। तो इस प्रोसेस को बता दूं, एक दोबारा से संशोधन इस कानून में किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि भाई 60 साल के बाद भी आप वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। फीस में भी हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए, तो ये एक 60 साल की जिनकी एज हो चुकी है कुवैत में रहने वालों की, या कुवैत में इंडिया से या वहाँ रहते हैं उनकी, उनके लिए अच्छी खबर होने वाली है। हालांकि संशोधन चल रहा है, फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, जैसे ही आएगी तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी इसमें कहीं ना कहीं छूट दी जाएगी, या तो हो सकता है कि टाइम और बढ़ा दे, जैसे 60 साल की जगह 62 कर दे, 65 कर दे, ये हो सकता है, या फिर उनकी फ़ीस कम कर दें, या ये डिग्री वाला प्रोसेस है वो हटा दें, कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग होने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। आगे हम बात करें तो भाई कुवैत के लोगों को 48 देशों ने, 48 कंट्रीज़ ने उनके पासपोर्ट के आधार पे एंट्री देना एक्सेप्ट कर लिया। जी हाँ, अभी की अगर दौरान की बात करें उनमें मैं बता दूँ, 9 तो यूरोपीय देश हैं, 14 हैं मुस्लिम कंट्री देश हैं, 6 एशियन कंट्री देश हैं, 4 अफ्रीकी कंट्री देश हैं, 12 यूएसए की जो ग्रुप में जो देश हैं उन्होंने एंट्री देना एक्सेप्ट कर लिया है। 48 यानी कुवैत के पासपोर्टधारी इन देशों में अभी जा सकते हैं। तो ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो कहने का मतलब भाई, कुवैत में मेन टॉपिक ये है कि इंडिया से जो जाने वाले लोग हैं थर्ड कंट्री के द्वारा कैसे जाएं, ये आप अपने स्तर पे पहले पुख्ता कर लें, 100 बार देख लें, सोच लें। क्योंकि आज मैंने मान लो वीडियो बनाया, ये वीडियो 10 दिन बाद आपके सामने आता है तो आप तो बोलोगे जी ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट होता जा रहा है, समझ गए बात को। तो इन चीज़ों को आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये नहीं कि जी हमारा या किसी दूसरे का वीडियो देख लिया और आप फ्री होकर बैठ जाए, नहीं जी बिल्कुल नहीं। आपका पैसा आपका है, आपका टाइम है, आपका जॉब है, आपका वीज़ा है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने स्तर पे उसकी इंक्वायरी करें, ये एक मैसेज होता है आप तक पहुँचाने का कि भाई रास्ता ये है, अब जाना कैसे, कैसे जाओगे, कैसे तैयारी करोगे, वो आपका काम है। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। All right.